सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रोमन नंबर सिखाने वाली हूँ। देखो, आप सबने नॉर्मल गिनती तो पढ़ी होगी, लेकिन रोमन नंबर शायद पढ़ी होगी, शायद आपके एग्जाम में भी आ सकती है। जैसे सिक्स क्लास में आए थे 8, 9 और 100। 8, 9, 100, तो उसमें से आप कंफ्यूज हो रहा होगा कि 100 का क्या होता है। 100 का भी मैं बताऊंगी, ठीक है? चलो अपन 30 तक का करते हैं, ठीक है? 30 तक का करते हैं। फर्स्ट का क्या होता है? आई। सेकंड का आई। थ्री, ये रोमन काउंटिंग होती है। अगर आपको इधर बिंदी भी रखना है तो रख सकते हैं। जैसे अपन चलो बिंदी वाला करते हैं, ठीक है? ये वाला नहीं करते हैं, बिंदी वाला करते हैं। या बस ओनली वी आएगा, ठीक है? लाइन में क्या होगा? ठीक है, 10 में 40x, ठीक है? अब बस 11 का करते हैं। अब 50 का क्या होगा? 2x, ठीक है? अपन करते हैं 21 का। 21 का क्या होगा? अब 29 का देखो क्या होता है। x, x, i, ये v है इधर, x, 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 ठीक है? ये हुए भी 13 तक कंप्लीट। अब अपन 14 की करते हैं, ठीक है? मतलब 31 की। इसको अपन रेस कर देते हैं। अभी मैं 40 तक करा रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको 50 से लेके 100 तक करवाऊंगी, ठीक है?
ब्लॉक बनाते हैं और नेक्स्ट में मतलब पहले वाले में 30 का क्या आया था x x x। ठीक है, तो अपन इसी को लेते चलते हैं, अभी इसी को लेते हैं, मतलब क्या x 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
X, 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 X